जो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस बुक का चैप्टर 9 दैट इज़ चेंजिंग फैमिलीज पार्ट 4। तो बच्चों, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट निम्मी, नज़ली एंड सीरिंग फैमिली। तो अब हम डिस्कस करते हैं माय फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, पेज नंबर 74। All families change in some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? तो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी परिवार होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। और क्या आपके परिवार में भी कभी ऐसा चेंज आया है? When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? तो आप इमेजिन करें, जैसे आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दादी और दादा, तो वो भी कभी बच्चे होते होंगे, तो उस दौरान उनकी फैमिली क्या आज की आपकी जैसी फैमिली वैसी ही थी? डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सितम्मास फैमिली ट्री विच वी सो इन क्लास थर्ड? तो आप क्लास थर्ड में ऑलरेडी समझ कर भी आए हैं, सितम्मास फैमिली में आपने एक जो फैमिली ट्री होता है वो भी बनाया हुआ है। फैमिली ट्री में आप देखते हैं कि आप जो न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते रहते हैं, पिक्चर पेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक ट्री ड्रॉ करना है और उसमें आपने ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर लगेगी, फिर आपके जो फादर हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनकी पिक्चर लगेगी, फिर जो आप लोग हैं उनकी पिक्चर लगेगी। इस तरह से ये फैमिली ट्री तैयार होता है। तो आप ये ऑलरेडी बहुत बार कर भी चुके हैं, तो इस बार भी आप अपने नोटबुक में यह फैमिली ट्री ज़रूर तैयार करें। आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली वैन दे वर योर एज। तो अपनी अभी यह, तो सब बच्चों आप अपने दादा दादी से पूछिए कि उस समय जब वो छोटे होते थे या उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स होते थे, और आप उनका जो है, अब आप क्या करेंगे, अपनी, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, अपनी नोटबुक में एक फैमिली ट्री जरूर ड्रॉ करेंगे। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री? कि आपको जो यह अपने जो भाई बहन इस फैमिली ट्री में देखने को मिलेंगे, तो आपको इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप किसके टाइम की फैमिली ट्री तैयार करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, उस समय शायद आप पैदा भी ना हों, तो मे भी शायद उस दौरान आपको अपनी पिक्चर्स ना भी देखने को मिले। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपने अलग से एक फैमिली ट्री बनाना है जिसमें अपने अब की जो पिक्चर्स हैं वो जो जितनी आप जनरेशन को जानते हैं अपने दादा दादी से लेकर, तो उतनी आपने पिक्चर्स लगानी है। कैन यू सी योर सेल्फ एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री? हु आर द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली टूडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? तो बच्चों, इस फैमिली ट्री में आप ज़रूर अपनी पिक्चर देख पाएंगे, आप अपने भाई बहनों की पिक्चर देख पाएंगे, अपने पेरेंट्स की पिक्चर देख पाएंगे, एज वेल एज योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर भी आप पेस्ट करेंगे। तो यह एक्टिविटी आपने ज़रूर परफॉर्म करनी है, और नोटबुक में एक फैमिली ट्री आपकी टाइम का और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का ज़रूर बनाना है। Let us talk. Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? क्या आप बता सकते हैं कि जो दोनों फैमिली ट्री में क्या डिफरेंस है, जो पहले का था और आज का है? तो going back to school. तो हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो अप टू विच क्लास डू यू वॉन्ट टू स्टडी? आपसे अब पूछा जा रहा है कि आप कितनी क्लास तक पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, ये आप पर है कि आप कितनी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या फिर उससे आगे पढ़ना चाहते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर यह कॉलम फिल करेंगे कि आपके पेरेंट्स कितना पढ़े हुए हैं। तो मैक्सिमम ग्रेजुएट तो सभी के पेरेंट्स होते हैं। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? तो आप अपनी दादी माँ से पूछे कि उन्हें कितने क्लास तक पढ़ने का चांस मिला। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा एज्ड हैं तो मे भी शायद उस टाइम इतनी पढ़ाई नहीं होती थी जितनी आज होती है। तो आप ज़रूर पूछिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है। एट वट एज डिड यूर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? और यह भी ज़रूर पूछिए कि आपकी दादी माँ की शादी कितनी उम्र में हो गई थी।
हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड? क्या आपको पता है कि एक जो शादी करने की भी एक सीमा होती है, उससे पहले कोई भी अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, अदरवाइज वो कानून का तोड़ना माना जाएगा। तो कौन सी एज होती है? तो बच्चों, अगर गर्ल्स की बात की जाए तो अबव 18, 18 के ऊपर ही उनको मैरिज करने के लिए अलाउड है, और लड़कों में उम्र होती है अबव 21। तो यह अगर इस एज से थोड़ा छोटा है कोई भी बच्चा तो वह शादी कानून अपराध है। देर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इंडिया में आपने देखा होगा पहले बहुत ऐसे बच्चे, स्पेशली लड़कियाँ होती थी जिनकी शादी 18 से पहले हो जाती थी। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, इस वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ता था। देर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। तो ऐसे बहुत सी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छूटने के बाद भी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की है। सी ऑल्सो गोट द हेल्प ऑफ पंचायत। तो उसको कहाँ, किसकी हेल्प मिली? उसको उसके गांव की पंचायत ने हेल्प की दोबारा पढ़ाई शुरू करने में। पंचायत क्या कहती है? द पंचायत सेट दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। पंचायत या फिर अपनी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अधिकार खेलना और पढ़ाई करना है सिर्फ, और शादी के लिए वो अभी प्रिपेयर नहीं होते। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ पर स्टेट का नाम दिया गया है, इम्पोर्टेंट है याद रखना कि आंध्र प्रदेश की में स्पेशली कैंप्स, मतलब ऐसे कैंप्स बनाए गए हैं जो हेल्प करते हैं जिनकी शादी हो गया उन लड़कियों को दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करवाने में। जनगम्मा एंड चिट्टी से वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन योर ओन फिट। जनगम्मा एंड चिट्टी भी यही कहते हैं कि हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फाइंड आउट एंड राइट। तो बच्चों, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आपको जो क्वेश्चन सर यहाँ पर गिवन है, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? तो बच्चों, यह तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है कि आपके जो नेबर है, नेबरहुड क्या होता है, पड़ोस में भाई आपके कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई ड्रॉप, मतलब जो स्कूल नहीं जाता, या फिर अगर नहीं है तो आप यह लिखेंगे कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा नहीं, अगर है तो आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज? तो अगर आपके पड़ोस में ऐसा बच्चा नहीं है तो आपको यह क्वेश्चन में यह लिखना होगा कि दे आर, अगर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ता नहीं है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है आप लिख रहे हैं कि हाँ है पड़ोस में जो पढ़ता नहीं है, तो वह इन दिनों काम क्या कर रहा है, आपने यह बताना है। हैज़ एनी बडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली एंड हु? तो आपने यह बताना है कि अभी हाल फिलहाल आपके घर में किसकी मैरिज हुई है और वो आपके क्या लगते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम? तो बच्चों, ब्राइड होती है दुल्हन और ग्रूम होता है दूल्हा। तो आपने एज बतानी है ब्राइड की कितनी है और ग्रूम की कितनी है। तो इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर? तो बच्चों, शादियां तो सभी ने अटेंड की है, सभी को पता है कि जो दुल्हन होती है वो हमेशा क्या डालती है, लहंगा, और ग्रूम शेरवानी। तो व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर, नेम देम? तो जितनी भी डिश होती हैं आपको बताने की, ये क्वेश्चन तो मुझे करवाने की ज़रूरत है ही नहीं है, बच्चे खुद ही लिख देंगे। आपकी जो शादियों में जाते हैं, आपको किस प्रकार का खाना मिलता है, जैसे आपको स्वीट डिशेज मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, पूरी मिलती है, आइसक्रीम मिलती है, और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, आपने सब यही मेंशन करना है। तो यह क्वेश्चन तो आप भाग भाग कर करेंगे, मुझे पता है। फॉर द टीचर, टीचर कैन डिस्कस अबाउट चिल्ड्रन हु कैन नॉट फिनिश स्कूल एंड ऑल्सो द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज विच हैज़ स्ट्रिक्टली फिक्स द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स एट 18 एंड फॉर बॉयज़ एट 21 ईयर्स। तो बच्चों, यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लड़कियों की शादी की उम्र होती है वो 18 साल या इससे अबव होती है, और लड़कों की 21 एरिया इससे अबव। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता भी है कि कितनी उम्र पूछी जाती है, आप इसको जरूर याद रखें। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज के लिए इतना ही। आप इसको दोबारा से रीड करें, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी एंड एज वेल एज फिल द क्वेश्चंस जैसा आपको दिए जा रहे हैं, और उनको साथ साथ रीड भी करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।